मुझे फ़िल्म देख के इतना मज़ा आया, बहुत अरसे बाद मैंने इतनी एंटरटेनमेंट वाली फ़िल्म देखी है और कॉमेडी फ़िल्म देखी है। थ्रू आउट कमाल कर दिया तमाम आर्टिस्ट ने, इफ्तिखार ठाकुर हो गए, उनकी पूरी टीम हो गई, और मैं समझती हूँ कि ये क्रेडिट जो है वो मलिक सफदर साहब को जाता है, जिन्होंने हमेशा अच्छी फिल्म बनाने की हमेशा से कोशिश की है, और हमेशा हर दौर में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया है, और अच्छी यानी लगातार वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, और ये सुपर पंजाबी ने तो कमाल कर दिया। ये तो पूरी टीम बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट इस दुखी दौर में एक अच्छी फिल्म देखने को मिल रही है। ये सिनेमा जो है उसके रिवाइवल का दौर है, और उसमें ये एक बहुत अच्छा इजाफा है, और अल्लाह ताला मैं समझती हूँ बहुत सुपरहिट फिल्म है, जिस तरीके से लोगों ने इसको बड़े शौक़ से देखा है, तो मुबारकबाद का पूरी टीम मुस्तहिक है। डायरेक्टर साहब जी, अमरीन साहबा, मैं ये बहुत खुशी से आज ये कहना चाहूँगा कि एक तवील अरसे के बाद मैंने पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी इतनी अच्छी एंटरटेनिंग मूवी देखी कि एक लम्हा भी हम लोग बोर नहीं हुए, और हमारी जो बाछें हैं वो खिली रही, हम खिलखिलाकर हंसते रहे। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, और यहाँ पे मैं एक बात ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, फ़िल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने जब फ़िल्म देखी और उन्होंने नेगेटिव रिपोर्टिंग की और फ़िल्म के बारे में मायूसी फैलाने की कोशिश की, लेकिन मैं ये सब लोगों को कहना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में नहीं बनती, वो आएँ और देखें कि अबू अलीहा ने और सफदर मलिक साहब ने सुपर पंजाबी बनाकर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में भी अच्छी फिल्में बनाई जा सकती हैं, और फिल्में ऐसी ही बनती रहेंगी। आप एक दफ़ा ये फ़िल्म देखने के लिए ज़रूर आए। थैंक यू वेरी मच। एक बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं कहूँगी कि इट वॉज़ रियली एक्साइटिंग, म्यूज़िक अच्छा था इसका और डायलॉग्स अच्छे थे, और एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एक्टिंग स्किल्स जो एक्टर्स थे उनकी बहुत अच्छी थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी देखें।